चलें, अब हमने स्टार्ट करना है एंडोक्रिनोलॉजी का सेकंड लेक्चर, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका सेकंड नेम होता है हाइपोफिजिस सेरेब्री। ये एक एमसीक्यू आपने याद रखना है। इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, लेकिन एक्यूरेट ये है कि एंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। मीडियन लोब या पोस्टीरियर लोब मास्टर ग्लैंड नहीं होते। मास्टर ग्लैंड कहाँ क्यों जाता है? क्योंकि जो एंटीरियर लोब है ना, ये ट्रॉपिक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये ट्रॉपिक हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ट्रॉपिक हॉर्मोन्स वो होते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है कि आपने जनाब ये फंक्शन करना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्रॉपिक हॉर्मोन कौन सा है? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी का थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, TSH। क्या होता है? एक ट्रॉपिक हॉर्मोन है। इसने ये प्राइमरी हॉर्मोन वो है जिसने खुद काम करना है, खुद मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करना है। इसने खुद मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करना, इसने सिर्फ थायरॉइड को, ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है कि वो T3 T4 ज़्यादा बनाए। तो इसलिए ये क्या है, ये ट्रॉपिक हॉर्मोन है, ये प्राइमरी हॉर्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है, इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी के और या पिट्यूटरी ग्लैंड को या इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने पूरी बॉडी के फंक्शन सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने होते हैं। इतने वास्ट फंक्शन पूरी बॉडी में कोई और ग्लैंड कंट्रोल नहीं करता। जैसे ग्रोथ हॉर्मोन है, ग्रोथ हॉर्मोन ने पूरी बॉडी में ग्रोथ करवानी है। TSH जैसे T3 T4 प्रोड्यूस करवाने हैं, उन्होंने पूरी बॉडी में ही फंक्शन करने हैं, जो मेटाबॉलिज्म हम अभी पढ़ेंगे। उसके अलावा ये इसने प्रोड्यूस करना है ACTH, जिसने एंडोसिरोन वगैरह, जिसने कोर्टिसोल को स्टिमुलेट करना है, और कोर्टिसोल ने भी पूरी बॉडी में ही मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करनी है। तो इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी ने अगर TSH प्रोड्यूस करना है, ये देखें पिट्यूटरी का इंटीरियर लोब है, इसने TSH प्रोड्यूस करना है तो थायरॉइड ने T3 T4 बनाना है। अगर ये लोब डिजीज होती हैं, कॉन्जेंटल भी होती हैं, या रेडिएशन वगैरह लगी हों और ये डैमेज हो जाए, तो TSH नहीं प्रोड्यूस होता, तो पेशेंट का थायरॉइड ग्लैंड फिर T3 T4 प्रोड्यूस नहीं करता। या कॉन्जेंटल भी हो सकता है, कॉन्जेंटल मीन्स बाय बर्थ, के फीटल लाइफ के दौरान, एम्ब्रियोलॉजी लाइफ के दौरान वो ये ग्लैंड बनते नहीं है, कुछ डिजीज होती हैं, तो वो पेशेंट हमेशा ज़िंदगी भर के लिए क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयड होते हैं, हमें थायरॉयड बनता ही नहीं है। तो फिर हमें उनके T3 T4 की टैबलेट्स देनी पड़ती हैं, उसके ऊपर रखना पड़ता है। तो इस तरह ये मास्टर ग्लैंड है कि ये थायरॉयड ग्लैंड का मास्टर है। इसी तरह इसने प्रोड्यूस करना है ACTH, उसने एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टिसोल को कंट्रोल करना है। तो इस तरह ये एड्रिनल ग्लैंड का भी क्या हुआ, मास्टर हुआ। इसी तरह इसने FSH और LH प्रोड्यूस करना है, प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना है। FSH LH ने ओवरीज पैक करना है, तो ये ओवरीज का भी क्या हुआ, मास्टर हुआ। और ये इसने और क्या प्रोड्यूस करना है, इसने प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करना है, जिसने मिल्क प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। प्रोलैक्टिन यहाँ का प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। तो इस तरह ये मेमोरी ग्लैंड्स का भी क्या हुआ, मास्टर हुआ। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और स्पेसिफिक हो जाएं तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, मीडियन या पोस्टीरियर लोब को नहीं कहा जाता। अगर MCQ आपको इन तीनों का आएगा तो फिर एंटीरियर लोब आंसर होगा, अगर सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड लिखा होगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ही आंसर होगा। उसके बाद इन्फंडिबुलम क्या होता है, ये इसको इसका सेकेंड नेम होता है पिट्यूटरी स्टॉक। इन्फंडिबुलम वो पार्ट है जिसके थ्रू पिट्यूटरी बुक में लिखा हुआ है ब्रेन के साथ अटैच है। अगर स्पेसिफिक किया जाए तो किसके साथ अटैच है, हाइपोथैलेमस के साथ, क्योंकि हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। तो एक स्टॉक होती है जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अरेंज होता है। पिट्यूटरी होता है ना ओवॉइड स्ट्रक्चर, ऊपर हाइपोथैलेमस है, नीचे स्टॉक है, और स्टॉक के साथ ही क्या है, पिट्यूटरी पड़ा है। इस पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक क्या होती है, तनी, जिस तरह दरख्त की टहनी होती है, इस तरह की शेप होती है। यहाँ तो मैंने समझाने के लिए डिवाइड किया हुआ है, इस तरह ट्राइंगुलर सी शेप नहीं होती स्टॉक, वो जिस तरह टहनी होती है दरख्त की वैसे। तो इसको इन्फंडिबुलम भी कहा जाता है, पिट्यूटरी स्टॉक भी कहा जाता है। ये भी MCQ याद रखना है, मैंने आपको बताया था ना, बुक की हर लाइन में MCQ बनाएं तो आप पेपर में पीछे नहीं रह सकते, 200 में से 200 ईजिली आ जाएंगे। बच्चे इसको ईजी समझ के कि वो छोड़ देते होते हैं, और मैंने टाइम ऐसा होता है कि आपकी लाइफ एक्सपीरियंस भी होगा, अगर आप ये देखें ना कि आपके MCQ कौन कौन से गलत हुए हैं, तो उसमें से एक रीज़न ये होती है कि 20% MCQ बंदे के वो गलत होते हैं जिनको बंदा बहुत ईजी समझ रहा होता है। इंसान ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मार उसी सब्जेक्ट में खाता है जिसको बहुत ईजी समझ रहा होता है। अब आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बुक के अंदर उसने एक और चीज़ लिखी है, प्राइमरी हॉर्मोन्स, यानी फर्स्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में, और साथ में क्या लिखे हुए हैं, ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। प्राइमरी हॉर्मोन्स वो हैं जिन्होंने डायरेक्टली टिश्यू पैक करना है, जिन्होंने दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल, सोमैटोट्रोफिन क्या है, ये एक प्राइमरी हॉर्मोन है। इसने किसी और ग्लैंड को नहीं प्रोड्यूस करना कि आपने, और जैसे ये TSH है, TSH ने खुद कुछ नहीं करना, इसने थायरॉइड को काम करवाना है। तो ये ट्रॉपिक हॉर्मोन है, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी वो होता है
सोमैटोट्रोपिन प्राइमरी हार्मोन है। प्राइमरी हार्मोन में होता है जो जिसने खुद सारा कुछ करना है, वो खुद प्राइमरी है, वो खुद ऑल इन ऑल है, उसने खुद सारा कुछ करना है। तो ये मासक ग्लैंड क्यों है, क्योंकि इसे प्राइमरी हार्मोन भी प्रोड्यूस करना है, इसे एट्रोपिक भी प्रोड्यूस करना है, इसने खुद भी टिश्यूज़ को कंट्रोल करना है, इसने बाकी ग्लैंड्स के थ्रू भी बॉडी के टिश्यूज़ को कंट्रोल करना है। अब चलते हैं इसके थ्री लोब्स की तरफ। एंटीरियर लोब है, मीडियन लोब है, एंड पोस्टीरियर लोब है। अभी फिलहाल एंटीरियर लोब, अब एंटीरियर लोब सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है आपकी बुक में, अगर देखा जाए ना सबसे ज़्यादा पैराग्राफ इसके हैं। क्यों? क्योंकि मास्टर ग्लैंड इसके काम ज़्यादा है। सोमैटोट्रोपिन इसका पहला हार्मोन है, इसका दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन होता है। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए मैंने इंटीरियर पूरा नहीं लिखा, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ भी शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ भी पोस्टीरियर को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सिर्फ इसलिए आपको एक चीज़ समझाना थी। यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट लिखा हुआ है कि आपने जब एंटीटेस्ट के नोट्स बनाने हैं ना, तो आपने टीचर के नोट्स ऐसे ही बनाने हैं ताकि आपका टाइम लिखने में कम लगे और समझने में ज़्यादा लग जाए। टाइम की एफिकेसी भी होती है ना, इसी को कहते हैं स्मार्ट वर्क करना। एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क ये है कि आपने टीचर का लेक्चर शॉर्ट फॉर्म में ही नोट करना है, एम कैट का, और एफ एस सी का भी आप शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो टेस्ट सॉल्व करने हैं ना अकेडमी के या कॉलेज के, वो आपने फुल फॉर्म में ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप एफ एस सी के एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, वो गुस्से में नंबर काट जाते हो। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसा है। कई बार एग्जामिनर भी इस मिस्टेक को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसको खुद को आदत पड़ी होती है लिखने की। लेकिन आपने, और एंटी टेस्ट में वैसे आपने कुछ नहीं लिखना, सारा कुछ लिखा लिखा जाना एंटी टेस्ट में, सिर्फ आपने बबल ही फिल करना है। तो आप शॉर्ट फॉर्म इंटीरियर लिखें, ए एन लिख दें, वो आपकी मर्जी है, उसके नंबर तो नहीं कटने आपके। खैर, सोमैटोट्रोपिन, सोमैटो मीन्स बॉडी, ट्रोफिन मीन्स ग्रोथ कराने को कहते हैं। इसे ट्रॉफिक हार्मोन्स को ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि TSH जो होता है ना, ये भी ट्रॉफिक हार्मोन है, थायरॉयड ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है। ग्वाइटर में ज़्यादा रिलीज होता है, इसे थायरॉयड ग्लैंड इलाज हो जाता है, इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ग्वाइटर हम डिटेल में पढ़ेंगे जब थायरॉयड ग्लैंड स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो ये इसको कहते हैं सोमैटोट्रोफिन, इसलिए ग्रोथ हार्मोन में कहते हैं। इसने ग्रोथ करवानी, कौन सी ग्रोथ करवाता है? ये लेंथ की ग्रोथ करवाता है। ये इंसान का ओबेसिटी नहीं करवाता ये, बल्कि ओबेसिटी का ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये ओबेसिटी को कम करता है, ये विड्थ बढ़ने से रोकता है और लेंथ इंक्रीज करता होता है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए, इसको हम जाइजेंटिनिज्म कहते हैं। ऐसे लोग बहुत टॉल होते हैं, हाइट ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत लीन होते हैं, मीन्स पतले से, कमज़ोर से, स्मार्ट से होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि, अब इसकी क्या रीज़न है कि लेंथ ज़्यादा करता है लेकिन ओबेसिटी नहीं करता? क्योंकि इसने प्रोटीन से इंक्रीज करनी होती है, और प्रोटीन जब इंक्रीज़ होती हैं तो प्रोटीन सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज़ करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारी मेन किस में होती है? बोन्स में। तो बोन्स की लेंथ ही इंक्रीज़ कर देता है। प्रोटीन्स और किस में होती हैं? स्किन में। तो लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए स्किन की भी ग्रोथ ज़रूरी होती है, इसे स्किन भी ग्रो करके बढ़ा देता है। ये फैट सिंथेसिस इंक्रीज़ नहीं करता, इसलिए ओबेसिटी कॉज नहीं करता। अगर फैट सिंथेसिस इंक्रीज़ करता होता तो फिर ये ओबेसिटी का कॉज होता। कोर्टिसोल फैट सिंथेसिस इंक्रीज़ करता है, इसलिए उसमें ओबेसिटी का एलिमेंट होता है, लेकिन वो भी इतना स्पेसिफिक नहीं होता। और ये थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है। कुछ लोग समझते हैं शायद सिर्फ प्यूबर्टी तक होता है, नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक मिथ है, और इसको एमसीक्यू के लिए याद रखना आपने, कि थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है। ऑल्दो इसका लेवल प्यूबर्टी के बाद, मतलब 40s के बाद डिक्रीज़ करना शुरू, ग्राफ जो होता है पहले बर्थ के बाद इंक्रीज होता 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 मैक्सिमम प्यूबर्टी पे जाता है। प्यूबर्टी में ऑलमोस्ट ये 5 to 10 years तक मेंटेन रहता है, उसके बाद 30 to 40 years की एज में डिक्लाइन करता 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 फिर बुढ़ापे तक, काफ़ी एंड तक चला जाता है, लेकिन रिलीज़ तब तक भी होता रहता है, क्योंकि तब तक भी उसने प्रोटीन से इंक्रीज़ करनी है। अब एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, मीन्स डिजीज़ भी कह सकते हैं, मैंने एबनॉर्मेलिटीज़ लिख दिया। जाइजेंटिनिज्म एक डिजीज़ है, इसमें भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एक्रोमिकली में भी ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कॉज भी तो होगी ना, वो बुक में नहीं लिखी होती, लेकिन मोस्ट कॉमन एडिनोमा होता है, कार्सिनोमा होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई कैंसर है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी के जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, वो सेल क्या होते हैं, उनका इम्यून में कैंसर होता है। कैंसर में दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, या तो फंक्शन लॉस होता है या फंक्शन गेन होता है। हार्मोन्स में, एंडोक्राइन सिस्टम में ज़्यादातर क्या होता है कि कैंसर से फंक्शन इंक्रीज होता है। तो ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो कैंसर प्यूबर्टी से पहले हुआ है पेशेंट को, तो वो जाइजेंटिनिज्म कॉज करेगा। अगर वो कैंसर प्यूबर्टी के बाद हुआ है, प्यूबर्टी का होता है जवान हो जाना, एडोलेसेंस इसका सिनोनिम होता है, अगर प्यूबर्टी के बाद हुआ है तो उसको हम एक्रोमिक गली कहते हैं कंडीशन को। जाइजेंटिनिज्म में क्या होता है, पेशेंट की लेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन एक्रोमिक गली में उसकी हाइट नॉर्मल होती है, क्योंकि प्यूबर्टी तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद किसी की हाइट नहीं बढ़ती। बढ़ती क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपने पढ़े हो ना एपिफिसिस डायाफिसिस, बोन्स में पढ़े हैं आपने, स्केलेटल सिस्टम में, वो ज्वाइन प्यूबर्टी पे वो ज्वाइन कर जाते हैं आपस में। जब एक चीज़ आपस में ज्वाइन हो गया, बाद में उसको लेंथन नहीं कर सकते,
प्यूबर्टी से पहले उनमें गैप रहते हैं, तो वो गैप फिर इस तरह फिर बोन ग्रो करती रहती है, गैप मेंटेन रहता है। जब एक तो वो गैप भर गया ना, फिर आप उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते साइज़ को। इसमें लेंथ ज़्यादा होती है, लीन होता है पेशेंट। एक्रोमिकली में इतना लीन नहीं होता क्योंकि उसकी लेंथ ही नहीं बढ़ी, ठीक है ना। उसकी एनर्जी लेंथ बढ़ाने में लगी, उसकी एनर्जी उसको शॉर्ट हार्ट में मेंटेन है, तो इसलिए इतना लीन नहीं होता। लेकिन इसके लार्ज हैंड्स होते हैं, लार्ज फीट होते हैं, ऐसे लोगों के शूज़ भी होते हैं, स्पेसिफिक बनवाने पड़ते हैं ऑर्डर दे के। वो नॉर्मली आपको मिलते हैं, वो ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं। इनके ग्लव्स भी ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं, और जॉ भी काफ़ी बड़ा होता है, फेस भी काफ़ी बड़ा होता है इनका, एक्रोमिकली वाले का। तो मेगा मीन्स एंड लार्ज, तो इसमें सारे टिश्यूज एंड लार्ज हो जाते हैं। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो गया होता है, ऐसा पेशेंट मोस्टली सुस्त होता है, हाइट भी इसकी छोटी होगी। वो जिनको आम जबान में बोने कहते हैं, वो बोने क्या होते हैं, वो ड्वार्फिज्म ही होती है, उनको ड्वार्फ कहा जाता है। अब उसके बाद आते हैं एंटीरियर लोब के सेकंड हार्मोन की तरफ। इस ये क्या है, TSH। अब देखिए इसकी भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, रीज़न क्या, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अपना टाइम भी बचाया मैंने, आपका टाइम भी बचाया। थायरॉयड, और इसी बहाने से एक टेक्निक भी बता दी आपको लेक्चर नोट करने की, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता लग रहा है इसे थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है। इसका मतलब है ये ट्रॉपिक हार्मोन है, प्राइमरी हार्मोन है ही नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ स्टिमुलेट करना है। और ये इसको कौन रिलीज़ करवाता है, इसने तो T3 T4 रिलीज़ करवाना है, सिंथेसाइज करवाना है थायरॉयड ग्लैंड से। इसने क्या करना है, TSH ने थायरॉयड ग्लैंड को ऑर्डर करना है कि जनाब आपने T3 T4 जो बनाया हुआ है उसको रिलीज़ करो, और जो बनाना है उसको बनाओ, इसकी ज़रूरत है बॉडी में। तो इसने तो इसको स्टिमुलेट करना है, इसे TSH है, इसको भी कोई स्टिमुलेट करता होगा, वो क्या कौन करता है, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको पहले हाइपोथैलेमस जब पढ़ाया था बताया था कि हाइपोथैलेमस ने ही हमारे मेन, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को कंट्रोल करना है, और पिट्यूटरी ने आगे पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना है, ग्लैंड्स को कंट्रोल करना है। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीज हुआ, ये ब्लड वेसल से एंटीरियर लोब में पिट्यूटरी के, इस एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट किया और कहा कि आपने TSH प्रोड्यूस करना है। वो TSH अब आगे जाएगा थायरॉयड ग्लैंड पे, और उसने आगे जाके क्या प्रोड्यूस करने है, T3 T4, मतलब थायरोक्सिन T4 होता है, और T3 ये भी थायरोक्सिन की टाइप है। इसमें 3 आयोडीन होते हैं, इसमें 4 आयोडीन होते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। और इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, ये रिस्पॉन्स है कि वो इंक्रीज हो गए हैं। अभी फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, इसने T3 T4 को इंक्रीज़ करवाना है, उनकी रिलीज़ को भी, उनकी सिंथेसिस को भी, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके स्टिमुलाई क्या होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम हो वो इसका स्टिमुलस होता है। और ये लो बॉडी टेम्परेचर सेंस कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस के लेवल पे सेंस होता है। हाइपोथैलेमस में अगर आपको याद हो तो हाइपोथैलेमस जब ब्रेन में पड़ा तो वहाँ पे था कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है, काफ़ी मैकेनिज्म हमने से किया है कि इसने पहले सेंस करना है इसमें रिसेप्टर्स हैं कि बॉडी टेम्परेचर कम है, ये एक स्टिमुलस है। दूसरी स्टिमुलस स्ट्रेस है, बॉडी कोई भी स्ट्रेस हुई है, कोई इन्फेक्शन भी स्ट्रेस होती है, या आप एग्जाम में बैठ गए हैं, या आप रिजल्ट निकालने लगे, लाइट बंद हो गया, वाईफाई बंद हो गया, अब आपका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा, तो वो भी क्या है, वो भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस होगी उसमें भी ये काम होगा, या T3 T4 वैसे ही काम है। दो स्टिमुलस मैंने ये लिखे हैं, और एक स्टिमुलस मैंने ये वाला लिखा हुआ है कि अगर T3 T4 कम हो तो वो भी क्या होता है, स्टिमुलस होता है। तो इसके मेन क्या होते हैं, स्टिम्यूलाई। तो यहाँ पे हमारा TSH भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है उसके एक और हार्मोन की तरफ, ACTH, एड्रीनो कोर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन। इसके भी नेम से पता लग रहा है ये ट्रॉपिक हार्मोन है, ये प्राइमरी हार्मोन नहीं। और इसका इसको कंट्रोल करता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। अभी रिलीजिंग फैक्टर्स हमने पहले बताया कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस से। तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, और ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब तक जाता है, और उसको कहता है कि आपने जनाब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ने क्या प्रोड्यूस करना है, ACTH। इस ACTH के स्टिमुलाई क्या होते हैं, ये कब ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, एक अगर कोर्टिसोल कम हो, क्योंकि इसका फंक्शन क्या, इसने कोर्टिसोल बनाना है। ऐसे याद रखना है, इसको कहते हैं एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक, नाम इसका कोर्टिकोट्रोपिक है। लोग समझते हैं कि शायद ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स के तीन हार्मोन्स है, ये उन सब तीनों को कंट्रोल करते हैं, हालांकि एक मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। बुक्स में तो जारी बात है इसी का लिखा होता है कोर्टिसोल का। अब जैसे एड्रीनल कॉर्टेक्स ने तीन प्रोड्यूस करना है, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजेंस, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह भी थोड़े बहुत प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से। इसने सिर्फ उसे कोर्टिसोल कंट्रोल करना है, ना इसे एल्डोस्टेरोन कंट्रोल करना है, उसका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है सेक्स हॉर्मोन्स का, ACTH से, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर से, जो एंड्रोजेंस वहाँ से बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन,
उनसे उनका इनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर हार्मोन आएगा तो सिर्फ, अगर एमसीक्यू आए तो आपने ये टिक करना है कि सिर्फ कोर्टिसोल को ही कंट्रोल करता है, ऑल ऑफ दीज को कंट्रोल नहीं करता। मतलब एमसीक्यू होगा कि एसीटीएच कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, नंबर वन कोर्टिसोल, अल्फा कोर्टिसोल, बीटा एल्डोसीरोन, चार्ली एंड्रोजेंस, डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर सिर्फ कोर्टिसोल होगा, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। डिक्रीज कोर्टिसोल हो ये भी एक स्टिमुलस होता है, और स्ट्रेसिस हो क्योंकि इसने भी स्ट्रेस में फंक्शन करना है। थायरॉयड ग्लैंड और ये मतलब थायरॉयड हार्मोन और ये कोर्टिसोल, ये मेन हार्मोन्स हैं, और एपिनेफ्रिन ये मेन हार्मोन्स हैं जिन्होंने स्ट्रेस को डील करना होता है। सबके स्टिमुलस स्ट्रेस ही होते हैं। कोल्ड एक स्ट्रेस है, ठंड एक स्ट्रेस होती है, एक हद से बढ़ जाए तो डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। हीट भी सीधा एक स्ट्रेस है, पेन भी स्ट्रेस है, उसमें भी इसने रिलीज होना है। फ्राइट मीन खौफ, डर को कहा जाता है उसमें भी। और इन्फेक्शन, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फेक्शन भी क्या होते हैं, स्ट्रेस होता है कि बॉडी ने इसे लड़ना होता है इन्फेक्शन से। अब इसका फंक्शन क्या, मैंने पहले पढ़ लिया हुआ है, इंक्रीज कोर्टिसोल प्रोडक्शन एंड रिलीज। इसने अब सेम वही फ्लोचार्ट बनेगा। कोर्टिकोरोबिलाइजिंग फैक्टर कहाँ से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस फॉर एग्जाम्पल, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से नीचे जाके कहाँ पैक करना है, पिचुट्री पे। पिचुट्री क्या रिलीज करवाएगा, और पिचुट्री को क्या कहेगा आपने क्या प्रोड्यूस करना है, ये पिचुट्री को कहेगा कि आपने प्रोड्यूस करना है एसीटीएच। अब पिचुट्री जो एसीटी प्रोड्यूस हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से जाएगा हमारी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पड़े हैं उनको जाके स्टिमुलेट करेगा, और कहेगा आपने क्या प्रोड्यूस करना है, कोर्टिसोल। और फिर कोर्टिसोल आगे अपने फंक्शंस करेगा जो उसने स्ट्रेस से डील करना है। जब हम एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल ग्लैंड जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कोर्टिसोल के फंक्शंस क्या होते हैं। एंड थैंक यू सो मच।